बांग्लादेश ने भी बड़ा कांड कर दिया है और गलत टाइम पे किया है। दोस्तों बांग्लादेश के पासपोर्ट पे ना लिखा रहता था कि हर जगह के लिए वैलिड है ये पासपोर्ट, बट लिखा होता था बट इज़राइल के लिए नहीं। अब वो जो लाइन है इज़राइल के लिए नहीं, वो लाइन को बांग्लादेश की सरकार ने दो दिन पहले पासपोर्ट से हटाने के लिए कह दिया है। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने आके कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, क्या हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो तो हमने बस थोड़ी सी पॉलिसी बदली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे जो है संबंध ठीक हो गए, मतलब ये वाला उनका गेम हो गया। तो बांग्लादेश जाहिर से बात है इतना बड़ा हवा तो है नहीं। अस्सलामु अलैकुम बंधुरा, अपनारा केमन आसें, आशा करी सबाई भलो आसें। आमी जुनैद अली, अपनारा देखते सन जुनैद अली ऑफिशियल। आमी अपनादर जन्य आगती वीडियो फ्लाई करती जर्सी सबाई देखबिन, आशा करी सबाई देखबिन भलो लगबे। आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश के पासपोर्ट से हटाई गई वो अभारत जिसमें लिखा था कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, अब लिखा है कि ये तमाम ममालिक के लिए वैलिड है। इसराइल में रिपोर्टिंग हो रही है, बांग्लादेश में इस बात पर रिपोर्टिंग हो रही है, पाकिस्तान में भी बात कर रहे हैं इस बात पे कि बांग्लादेश ने ये क्या कर दिया, अपने पासपोर्ट के ऊपर से वो चीज ही हटा दी जो ये जाहिर करती थी कि बांग्लादेश का कितना सख्त मौकिफ है इसराइल के मामले में और फलस्तीन के साथ जो इसराइल ने किया 11 दिन से उनके जबरदस्त हमले कर रहे हैं गजा के अंदर, और गजा के अंदर बहुत ज्यादा जिंदगी जो है वो अजीरन की हुई है। तो उसके फौरन बाद बांग्लादेश का ये जो एक सामने आया है चीज के पासपोर्ट के ऊपर से वो लैंड ही हटा दी है जो ये जाहिर करती थी कि बांग्लादेश का मौकिफ क्या है इसराइल को लेके और इसराइल को एक्सेप्ट करने के हवाले से। तो अब बांग्लादेश ने जो लाइन हटाई है तो गहराम सा मचा हुआ है। और इसराइल की बात करें, इंडिया की बात करें, तो यही बात की जा रही है कि अब बांग्लादेश इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है। अब इंडियन मीडिया क्या कह रहा है इसके ऊपर, बांग्लादेश ने वहां से वो लाइन ही हटा दिया जो लिखा हुआ था कि यह पासपोर्ट इसराइल के लिए वैलिड नहीं है, अब लिख दिया ये पूरी दुनिया के लिए वैलिड है, तो उसमें इसराइल भी आ रहा है। तो अब इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या कह रहा है बांग्लादेश के बारे में, तो वीडियो में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं जी, हैवी गो। दोस्तों अब बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश ने ऐसा काम कर दिया और ऐसे समय पर कर दिया है कि बांग्लादेश को लेकर अब सभी मुसलमानों की भौहें चढ़ गई हैं। जी हाँ दोस्तों जहां पर पूरे इसराइल की आलोचना लंदन जैसे मुल्क में भी की जा रही है, अमेरिका जैसे मुल्क में भी की जा रही है, सैकड़ों देश इसके खिलाफ हैं, क्योंकि पता है कि इसराइल कोई मुल्क नहीं है, उसने तो फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर कब्जा किया है। तो दोस्तों उसकी औकात दुनिया को पता चल गई है और उसको ज़्यादातर मुल्क मान्यता नहीं देते हैं। अरब देशों को छोड़ दीजिए, अरब देश वो हैं, सब याद रखा जाएगा, अरब वो है, सऊदी अरब वो है जो सबसे ज़्यादा मचल रहा था और मचल रहा है, और अरब देश ही आप जानते हैं सबसे पहले इसराइल की गोद में बैठने को तैयार थे। दोस्तों अब जहां पर सारी दुनिया प्रदर्शन कर रही है फिलिस्तीन के लिए और इसराइल के ख़िलाफ़, ऐसे में जहां पूरी दुनिया के मुसलमानों में बल्कि जो इंसानियत और हक पसंद इंसान हैं वो सब के सब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, फ़ख्र है हमें कि हमारा भारत भी फिलिस्तीनियों के हक में खड़ा है और हमेशा से खड़ा रहा है। वो तो अभी कुछ ऐसे काले सुअर जैसे लोग आ गए हैं YouTube पर जो कि अब पूरी तरह से एक्सपोज हो ही गए हैं, मतलब मुसलमानों का नाम इस्तेमाल करके पंचर छाप, ये बोलना वो बोलना, लौड़ा सुर हैं, मुसलमानों को नीचा दिखाना हैं, मुसलमानों को मदरसा छाप बोलना हैं, पंचर वाला बोलना। हालांकि इन्हीं का इतिहास चेक करेंगे तो बचपन में ये भी रेल की पटरी पर हगने वालों में शामिल रहे होंगे, कसम खा के बता रहा हूँ। आज थोड़ा सा यूट्यूब पे फेमस हो गए हैं तो ओफो पूछो ही मत, ससुरे हिंदू हैं या मुस्लिम हैं पता ही नहीं चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू है, हिंदू है भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस तरह से एक धर्म को टारगेट कर रहा है और मुसलमान बन के मुसलमान के अंदर ही फितना फैला रहा है, मुसलमान को ही टारगेट कर रहा है, दोस्तों इससे पता चलता है या तो ये मुसलमान हो के पैसे के चक्कर में इतना गिर गया है कि एक बड़ी सी भीड़ को, क्योंकि जाहिर सी बात है हिंदू लोग ज़्यादा हैं, तो उनको खुश करने के लिए ये अपने ईमान को भी बेच चुका है। इसकी औकात ये है, अब इसका कोई हिंदू भी नहीं होगा, अगर ये मुसलमान है तो हिंदू भी इसके नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद जानते हैं जो अपने मजहब का नहीं हुआ वो काला सुअर हमारा क्या होगा। दूसरी बात, अगर ये हिंदू है
मान लो चलो ये सभी लोग कह रहे हैं हिंदू हिंदू, हम ये कह रहे हैं तो अगर तुम हिंदू भी हो तो इसका मतलब तुम्हारी औकात नहीं थी कि तुम अपने नाम से चैनल रन कर सको। खान नाम में ताकत है ना बेटा। चलिए दोस्तों इस सुअर को एक तरफ करते हैं, इधर उधर की बातें आ जाती हैं। लेकिन ऐसे में जहाँ पर इसराइल के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में गुस्सा देखा जा रहा है, वहाँ पर बांग्लादेश ने भी बड़ा कांड कर दिया है और गलत टाइम पे किया है। दोस्तों बांग्लादेश के पासपोर्ट पे ना लिखा रहता था कि हर जगह के लिए वैलिड है ये पासपोर्ट, बट लिखा होता था बट इसराइल के लिए नहीं। अब वो जो लाइन है इसराइल के लिए नहीं, वो लाइन को बांग्लादेश की सरकार ने दो दिन पहले पासपोर्ट से हटाने के लिए कह दिया है। लिहाजा अब जो नए पासपोर्ट हैं वो वैलिड रहेंगे इसराइल के लिए भी। अब जिसके बाद से इसराइल की सरकार ने ऑफिशियली इसका धन्यवाद अदा किया है और कहा है कि हम शुक्रगुजार हैं बांग्लादेश की गवर्नमेंट के कि वो इसराइल के साथ अपने रिश्तों को ठीक करने के कदम को आगे बढ़ा रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी दोनों देशों के बीच में राजनीतिक संबंध शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों बांग्लादेश के लोगों को पता चला कि हमारी सरकार ये कर रही है तो आलोचना शुरू हो गई। अब जब आलोचना शुरू हुई तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने आके कहा नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, क्या हुआ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अरे वो तो हमने बस थोड़ी सी पॉलिसी बदली है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे जो है संबंध ठीक हो गए, मतलब ये वाला उनका गेम हो गया। दोस्तों बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए अब्दुल मोमिन पर जब प्रेशर बना तो उन्होंने बयान जारी किया कि नहीं हमने थोड़ी सी अपनी नीति बदली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे संबंध जो हैं इसराइल के साथ अच्छे हो गए हैं और हम तो अभी भी इसराइल पर पाबंदी लगाए हुए हैं, हमारा इसराइल से कोई मतलब नहीं है और हम किसी भी हालत में उसके साथ अपने संबंध ठीक नहीं कर सकते। दोस्तों जब बवाल और बढ़ा और लोग समझ गए कि ये सब नौटंकी है बांग्लादेश सरकार की, तो बांग्लादेश के मंत्रालय के द्वारा यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा फिर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि जिनके पास हमारे पासपोर्ट, बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके पास जो पासपोर्ट है, हम बता दें कि अगर उस पर लिखा भी है कि ये पासपोर्ट हर जगह के लिए वैलिड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसराइल जा सकते हैं, इसराइल के साथ हमारे ताल्लुकात अभी तक ठीक नहीं हुए हैं और हम उसको मान्यता नहीं दे रहे हैं और आपको इसराइल जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों ये फ़िलहाल नौटंकी ही बताया जा रहा है, हमारी जिनसे बात हुई है सोर्स के मुताबिक बांग्लादेश की सरकार अंदर ही अंदर इसराइल को सपोर्ट करने में लगी हुई है। दोस्तों इसमें बड़ी बात नहीं है, जब सऊदी अरब और अरब जैसे मुल्क इसराइल को सपोर्ट कर सकते हैं और यूएन में उसके ख़िलाफ़ बोलने पर भी थर थर कांपते हैं तो बांग्लादेश जाहिर से बात है इतना बड़ा हवा तो है नहीं। दोस्तों ये है बांग्लादेश की बदली हुई नीति, आगे क्या होगा अभी हम आगे देखेंगे। जल्द लौटूंगा और भी डिटेल के साथ, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कॉमेंट में जरूर। तो जी ये थी वीडियो और अब इंडियन मीडिया के ऊपर भी ये चीज़ जाहिर हो रही है कि इंडियन मीडिया भी ये चीज़ बता रहा है कि कैसे इस चीज़ को हटाया गया है और किस तरह से अपनी दफा किया जा रहा है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन बात है बांग्लादेश का ये पासपोर्ट से हटाना। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे, अगर आपके हालात उनके साथ बेहतर नहीं है, अगर ताल्लुकात बेहतर नहीं है, तो इसको जो लाइन को हटाया गया है ये वाकई ही एक परेशान कुन बात है और हम सब के लिए तो परेशान की बात है क्योंकि ये पासपोर्ट के ऊपर अगर लिखा भी हुआ था तो ये आपका स्टैंड जाहिर करता था कि आप कितने सख्त हैं इसराइल के मामले को लेकर। आज दुनिया के यूरोप कंट्रियों के बड़े बड़े मुल्क, लंदन और उसके बाद अमेरिका, बड़े बड़े कंट्री के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसराइल के खिलाफ। इसराइल को तो मुल्क ही तस्लीम नहीं करते क्योंकि उसने तो कब्जा किया हुआ है फलस्तीन की जमीन पे और फलस्तीनियों को यरगमाल बनाया हुआ है, उनके ऊपर तशद्दुद भी कर रहा है, उनके ऊपर अटैक भी कर रहा है और उनको तंग भी कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है कि हम लोग उसको तस्लीम करें क्योंकि उसने तो आगे कब्जा किया है, एक कब्जा ग्रोह को हम लोग कैसे मुल्क तस्लीम कर लें। तो ये एक बहुत सख्त स्टैंड था और जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस तरह से सख्त स्टैंड रखते हैं तो बांग्लादेश की तरफ से भी सख्त स्टैंड रहना चाहिए था। और अब जब पूरी दुनिया के लोग फलस्तीन के साथ खड़े हैं तो बांग्लादेश की तरफ से पासपोर्ट के ऊपर से अचानक से ये चीज़ हटा देना बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन है और बहुत ज़्यादा हैरत हुई है इस चीज़ को लेकर।
लेके कि हटाने की जरूरत ही क्या थी, क्या फायदा होने वाला है आपको? अगर कोई फायदा नहीं हो रहा तो आपको हटाने की जरूरत ही नहीं थी। हम लोग हर अच्छे काम को सपोर्ट करते हैं बांग्लादेश के, लेकिन जहां पे ऐसा काम होगा जो मुसलमानों के अंगेंस्ट होगा, जो फलस्तीनियों के अंगेंस्ट होगा, तो उसकी निशानदेही करना हमारा फर्ज है। तो ये आज बहुत ही सख्त रवैया पूरी दुनिया से जाहिर हो रहा है। और साथ ही साथ अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल के न्यूज़ चैनल पे ये बात चल रही है कि बांग्लादेश ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, और साथ ही साथ ये कह दिया है कि उसने जो बैन लगाया था इसराइल के लिए सफ़र में वो हटा दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन बात है। आप इस वीडियो के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।